हमारा तो ख्याल था कि बच्चे तालीम मुकम्मल कर लें, फिर इनकी शादी की बात करेंगे, मगर हालात ही ऐसे हो गए कि अब हमें ये फैसला कर लेना चाहिए। दरअसल बात यह है कि फारूक का कयाम पाकिस्तान में बहुत कम होता है। अभी ये यहाँ मौजूद हैं तो हमने सोचा इनकी मौजूदगी का फायदा उठाया जाए और हम कोई फैसला कर लें। मैंने हमेशा गौहर को अपना बेटा समझा है और मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि ये मेरी माया का लाइफ पार्टनर बने। माया जिन हालात से गुजरी है, जरी तौर पे बहुत डिस्टर्ब होगी। ऐसे में अगर हम एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं तो वो जल्दी उस वाकये को भूल जाएगी। आप लोग तो सोच भी नहीं सकते मैं आप लोगों की कितनी शुक्रगुजार हूँ। इतने मुश्किल वक्त में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और गौहर ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा फर्स्ट था। खुश रहो। अच्छा, आपने माया से इस हवाले से कोई बात की? वो डैड, पहले बड़ों में बात हो जाए फिर माया से भी डिस्कस कर लेंगे। फारूक, मैंने आपको बताया था ना कि माया अभी शादी के हवाले से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, लेकिन फ्यूचर में जब भी डिसीजन लेगी तो वो गौहर के हक में ही होगा। भाई देखें, गौहर हमारा इकलौता बेटा है। जिस तरह माया की खुशी आपके लिए अहम है, उसी तरह आप गौहर की खुशी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं समझ सकती हूँ, आप टेंशन मत लें। माया जिस तरह ये स्पेस से गुजर जाएगी, मैं खुद बात करूंगी उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसी है हमारी बेटी? आई एम फाइन आंटी। अंकल, आपसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बेटा, मैं पाकिस्तान में रहता ही बहुत कम हूँ। आओ ना बेटा, हमारे पास आकर बैठो। बिल्कुल। तो आप लोगों का प्लान कैसे बना, बताया नहीं? तुम बात करने का मौका कहाँ देती हो जो तुम्हें कुछ बताया जाए। वो असल में तुम्हारी बातें बर्दाश्त भी तो नहीं होती और ये तुम भी जानते हो। बिहेव योरसेल्फ। बेटा, दोस्ती में बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जी, दोस्ती में, लेकिन कोई अगर अपनी दोस्ती की हद को पार कर रहा हो ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। माया, इंसान बनो। बेटा, हम तुम्हारी दोस्ती को एक मजबूत रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं। मैं समझ गई थी, जब आप लोगों के आने का सुना तो मुझे समझ आ गया था कि यही प्लान। गौहर, तुमने नहीं बताया ना आंटी को ना अंकल को कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन बेटा, ये तो हमारी ख्वाहिश है। आंटी, अब आपकी ख्वाहिश के लिए मैं अपनी मोहब्बत तो कुर्बान नहीं कर सकती ना।